किसान देश के अन्नदाता होने के साथ साथ अपने जीवन में कई तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी धरती माता, जो कि हमारी धरोहर है, उसे बचाने की भी है। उसके सीने पर आग न लगाएं, ये शब्द करनाल के डीसी विनय प्रताप सिंह किसानों को एक कार्यक्रम के दौरान कहे। शुक्रवार को जुंडला की नई अनाज मंडी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन पखवाड़े का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों को आग लगाने से हवा जहरीली हो जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सभी हवा में सांस लेते हैं, इसीलिए उसे शुद्ध रखना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में खेतों में आग लगाए जाने की घटनाओं पर यदि हम नजर डालें तो इनमें करीब 45% की गिरावट आई है, अर्थात किसान जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने किसानों को बधाई दी और बताया कि सरकार की प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इनसिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू स्कीम के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों या मशीनों पर 50 से 80% सब्सिडी दी जा रही है। किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों का प्रयोग करें। बड़े किसान अपने स्वयं की मशीन खरीद सकते हैं, लेकिन लघु व सीमांत किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि मशीनों को निर्धारित व वाजिब किराए पर लेकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। करनाल जिले में पिछले वर्ष और इस वर्ष 260 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो गए हैं। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर। अब ये कस्टम हायरिंग सेंटर है क्या? ये जो अंग्रेजी में कस्टम हायरिंग सेंटर शब्द है, इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊं तो ये है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार एक ऐसी दुकान जिससे आप किराए पे ये मशीनरी ले सकते हो, किराए पे, क्योंकि आप खरीदना नहीं चाहते, आपको एक सीमित समय के लिए ही मशीनरी चाहिए, उसको घर में खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं 11 महीने के लिए। तो एक ऐसी दुकान जिससे ये मशीनरी सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर, ऐसा नहीं कि जिसने दुकान में वो मशीनरी खरीद ली वो अपने मन मर्जी से रेट ले, रेट भी निर्धारित है, ऐसी दुकान से मशीनरी लें और अपने उपयोग के लिए जो भी फसल की कटाई का सीज़न है या बुआई का सीज़न है उसमें इस्तेमाल करें, और जितने सरकार के द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं उतने पैसे उस दुकानदार को देकर अपना काम करा लें। इसमें आपको उस मशीनरी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये स्कीम अभी नई है, 2 वर्ष हुए हैं इस स्कीम को लागू किए हुए। मैं मानता हूं जितनी अपेक्षा आपकी है उतने तक हो सकता है अभी हम नहीं पहुंच पाए। उदाहरण के तौर पे आंकड़ों की अगर मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, बट एक ही आंकड़ा देके बात खत्म कर देता हूं इस विषय पर कि जो ये दुकान है जिसको CHC कहते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर, ये आपके ज़िले में लगभग 260 हैं, इनकी सूची भी है। और इन 260 ऐसी कस्टम हायरिंग सेंटर जो दुकान है जहाँ से आप किराए पे मशीनरी ले सकते हो, ये ज़िले में, पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर फैली हुई है। हो सकता है, मुझे मेरे अधिकारी बता रहे थे, जुंडला के आसपास भी 5-6 ऐसी हैं। अगर वो यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर के कोई चलाने वाले आए हैं तो हाथ खड़ा करके बता दें, जुंडला के पास के कोई CHC वाले हैं कोई यहाँ? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।